دُکاندار وٲتۍ اَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ تِم کَران چھِ وۄنۍ شِفٹ سامان بہٕ چھَس بیٛاکھ گٲڑۍ تھاوٕنۍ ژیٖرۍ اَننہٕ خٲطرٕ صُبحٲے لاگنہٕ خٲطرٕ ژیٖرۍ نِنہٕ خٲطرٕ کَرٕ کیٛاہ بِچارٕ सलाखों के पीछे धकेल दिया है। ये बताइए आप, मतलब सबसे बड़ा वजह क्या है कि मतलब यहाँ पर चोरी होती है? ये बदकिस्मती की वजह है कि हमारे मार्केट में पिछले 2 महीने से चोरी पे चोरी होती जा रही है। लगभग ये आज 6ठा अटेम्प्ट है जिसमें आज फिर चोरी हो गई है। पहले एक शॉपकीपर को लूटा गया, उसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM को उड़ाने की कोशिश की गई, उसके बाद J&K बैंक के ATM की उसके गार्ड को भी धमकाया गया, उसको भी लूटने की कोशिश की गई, उसके बाद एक और दुकानदार को उसके दुकान समेत ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, और उसके बाद फिर चोरियां, मतलब कंटिन्यूसली हम ये कहें कि यहाँ चोरी पे चोरी होती जा रही है। बशीर साहब, आपने ब्लास्ट की बात की है, हाँ ब्लास्ट, तो क्या मतलब किन लोगों का हाथ? खुदा ही बेहतर जानता है कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि नाइट ओवर्स में ऐसा हुआ है कि, लेकिन वहाँ दुकान में हमने क्या देखा कि दुकान में एक बड़ा सिलेंडर लगाया गया था, उसमें एक रेगुलेटर फिट किया गया था, उसके आगे मतलब थोड़ा सा उसको टेम्पररी ब्लॉक किया गया था ताकि जब वहाँ पे आग लगाई गई थी तो जो ही आग फैल जाती तो उसे ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होना ही था। क्या कोई जाती रह सकता है? लेकिन हमने वैलेंटाइन पुलिस कंसर्न को वहाँ पे इतला दी, पुलिस पार्टी उस टाइम आई भी थी, लेकिन फाइनली हमें कोई एक्शन उसमें देखने को नहीं मिली। आज फिर यहाँ पर चोरी हो गई है, सेम कहानी है, आज फिर चोरी हो गई। फिर हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन को इतला दी, पुलिस स्टेशन आई, एज रूटीन उसने चेकअप किया, देखा, मौका जायजा किया, और फिर FIR लगेगी। अब हम वक्त का इंतजार करेंगे क्या होगा। बशीर साहब, अगर बात दुकानदार साहिबान से बात की, उनने कहा कि लगभग 4-5 लाख रुपए की आज फिर से चोरी हो गई है। कैश था या मतलब? उसमें थोड़ा बहुत कैश भी था और कुछ सामान, सिगरेट विगरेट, जो एक दुकानदार उसमें होलसेलर है हमारा, मतलब पूरे इलाके को सप्लाई करता है, उसकी दुकान को उड़ा लिया गया, और एक रेडीमेड शॉप है हमारे यहाँ पे कलेक्शन की, अच्छी खासी शॉप है, उसको भी और एक कंप्यूटर वाले को भी, और उसके साथ और 2-3 दुकानों को भी अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन वह शायद कुछ खदशात हुए होंगे या और कुछ हुआ तो वो दुकानें नहीं लूटी गई, लेकिन तालों पे अटैक हो गया। अगर इसके दुकानदार अपनी फैमिली समेत प्रोटेस्ट करेंगे। Thank you.